मैं हरियाणा हाईकोर्ट का केस लड़ रहा हूं सब इंस्पेक्टर के मामले में। इनने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि 26 तारीख को इनका सिस्टम फेलियर हुआ 3 सेंटर्स पे, और उस सिस्टम फेलियर को बचाने के लिए इन्होंने दोबारा से कुछ बच्चों का पेपर लिया गया, जहां इनके सुपरिटेंडेंट ने कोर्ट में नोटिस दिया है, और नोटिस में ये कहा है कि हमने इन्हें पूरा टाइम नहीं दिया, इसलिए हम इनका दोबारा पेपर ले रहे हैं। लेकिन मेरे पास उन्हीं सेंटर्स के 15 से 20 बच्चे हैं जिनके पास मेरे पास एफिडेविट्स हैं, जो मैंने तहसील से बनवाए हैं, और उन्होंने रिटर्न में दिया है कि हमें पूरा टाइम दिया गया है। लेकिन इसके बैकडोर एंट्री का मतलब यही है कि ये अपने बच्चों को सेट करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने 13 तारीख को दोबारा पेपर लिया गया। यानी आपका कहना है कि इस भर्ती में धांधली हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं ये भर्ती कैंसिल करके दोबारा रिकंडक्ट करवाया जाए पेपर, ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिले और सभी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना हो। कमीशन की और भी भर्तियों में भी बहुत घपला हो चुका है, उनको भी कैंसिल करके दोबारा पेपर लिया जाए। धन्यवाद।